ये मोटरोला एज 50 मोटरोला की मिड रेंज लाइनअप का नया मेंबर एंड इसमें काफी कुछ ऐसा है जो उसे मिड रेंज सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी फोन बनाता है। लेकिन हर फोन में कुछ खूबियां होती हैं तो भाई कुछ कमियां भी होती हैं। आज सभी डिस्कस कर रहा हूं आपसे इस रिव्यू में। शुरू करते हैं इसके डिजाइन से। डिजाइन वाइज मोटरोला एज 50 आपको दिखने में ना स्लीक फोन लगेगा, बढ़िया लगता है देखने में। पहली बार जब आप इसको हाथ में लोगे, यूज करोगे, तो ये फोन आपको ना जरूर इंप्रेस करेगा। मेरा जो वेरियंट है वो ग्रीन कलर में आता है, जिसमें एक सॉफ्ट टच वीकन लेदर पैनल है बैक पे। ये बैक पैनल जो है ना वो हाथ में प्रीमियम फील देता है और कैमरा बम्प भी इस पैनल में ना सीमलेसली इंटीग्रेटेड है, जो इसको ना एक मिनिमलिस्ट और क्लीन लुक देता है। मोटो के सभी मिड रेंज फोन्स में आजकल यही डिज़ाइन आपको मिल रहा है, इसी डिज़ाइन से फोन्स आ रहे हैं। अभी इससे लोग बोर नहीं हुए, चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगता है। लेकिन इस डिज़ाइन में जो बैक पैनल पे व्हीकल लेदर उन्होंने यूज़ किया है ना, इससे कंप्लेन भी है कि ये ना जल्दी डर्ट को ट्रैक करता है जब आप इसको यूज़ करते हो, जो सो इसकी एस्थेटिक अपील जो है ना उसको थोड़ा कम कर देता है इन द लॉन्ग रन। अगर आप थोड़ा रफ यूज़ करते हो फोन को या फिर बिना केस के आप अगर यूज़ करते हो, तो ये पॉइंट आप थोड़ा कंसिडर करना। प्लास्टिक केस जो बॉक्स में मिलता है वो यूज़ आप करोगे तो ये प्रॉब्लम ऑफकोर्स सॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्लास्टिक केस लगाने पर ना फोन ऑफकोर्स मतलब स्लिम फोन जो है वो थोड़ा सा बल्की हो जाता है, बड़ा लगता है। ओवरऑल फोन का जो डिज़ाइन है एंड बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बढ़िया लगी, फोन आपको भी पसंद आए। फोन के साइड्स पे हल्के से फ्लैट एजेस हैं यहाँ पे, जो ग्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाते हैं। और बटन्स का प्लेसमेंट मुझे एकदम परफेक्ट लगा, इजी टू रीच है। वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर की इजीली एक्सेसिबल है। वेट फोन का 180 ग्राम है, मतलब काफ़ी हल्का फोन है ये। एंड 7.8 mm के दिखने से सो स्लिम भी काफ़ी है। एक हाथ से यूज़ करने में फ़ोन काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड एक चीज़ और यहाँ पे बढ़िया है कि आपकी 68 रेटिंग के साथ ये फ़ोन आ रहा है। बारिश में आप इसको बिना टेंशन के यूज़ कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस रेंज में आपको IP68 रेटिंग आजकल मिलने लगी है, दैट इज़ ग्रेट। मोटोरोला एज 50 का जो डिस्प्ले है वो भी इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस फोन में 6.7 inch का आपको POLED पैनल मिल रहा है। फ़ोन की डिस्प्ले बढ़िया लगी मुझे, रिफ्रेश रेट 120Hz है। मैं जब इस फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, फोन को यूज़ कर रहा था, तो इसका जो स्मूथनेस है वो मतलब लिटरली फील होता है आपको। अच्छा डिस्प्ले लगा मुझे, अच्छे कलर्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। SDR 10 प्लस का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप फोन पर वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो, तो डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बढ़िया लगेगा। डिस्प्ले की शार्पनेस और क्लैरिटी भी मुझे इंप्रेसिव लगी। कर्व्ड एजेस हैं यहाँ पे, ऑफकोर्स मतलब कर्व्ड डिस्प्ले है, कर्व्ड एजेस से एक प्रीमियमनेस मिलती है फोन को, ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस लुक आता है यहाँ पे। ब्राउजिंग, गेमिंग या फिर कॉन्टेंट कंजम्पशन में ना डिस्प्ले अच्छा लगता है। आउटडोर विजिबिलिटी भी डिसेंट है, 1600 nits की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल रही है। डायरेक्ट सनलाइट में भी कंटेंट क्लियरली विजिबल रहता है जब आप बाहर जाओगे इसको यूज़ करोगे तो। जितने दिन मैंने इस फोन को यूज़ किया, फोन सही चला, कोई लैग मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर यहाँ पे आपको मिल रहा है, डेली टास्क और मॉडरेट गेमिंग के लिए ना बढ़िया है, सही परफॉर्म करता है। मल्टी टास्किंग फोन पे स्मूथ रहती है, और जब आप मल्टीपल ऐप्स ओपन रखते हो ना फोन में, तो भी परफॉर्मेंस में कोई लैग आपको फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करते हो फोन में, तो कुछ फ्रेम रेट्स आपको ड्रॉप देखने को मिलेंगे, मतलब फ्रेम रेट्स ड्रॉप हो जाएंगे इन द लॉन्ग गेमिंग सेशन। सो मिड रेंज सेगमेंट में एक डिसेंट प्रोसेसर है ये, लेकिन अगर आप हार्डकोर गेमर हैं, मतलब जिसको हमेशा ना हाई ग्राफिक सेटिंग्स में गेम्स खेलने होते हैं, हमेशा चिपके रहना होता है गेमिंग में, तो ये फोन शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करेगा। एल्स डेली यूज के लिए फोन बढ़िया है, मस्त है। एक और चीज जो आपको ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है वो स्टोरेज टाइप। मोटोरोला एज 50 में UFS 2.2 स्टोरेज टाइप यहाँ पे आपको मिल रही है, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से वो से स्लो है, स्पेशली जब आपको ना फास्टर UFS 3.1 या फिर UFS 4.0 तो आगे मिलती है, मतलब महंगे फोन्स में स्टोरेज की आदत हो जाए तब थोड़ा ही डिसअपॉइंट करती है। वैसे Realme 13 Pro जो है या फिर आप Note 4 देख लो, उनमें 3.1 स्टोरेज टाइप है, मतलब ये ना डेटा ट्रांसफर स्पीड्स और ऐप लोडिंग टाइम्स पर इफेक्ट डालती है, जो कुछ यूजर्स के लिए इशू हो सकता है। Android 14 आपको फोन में मिल रहा है, नियर स्टॉक Android एक्सपीरियंस यहाँ पे है, विच इज़ ग्रेट। बट मोटो सिर्फ इसमें ना 2 साल के OS अपग्रेड्स प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि Android 16 तक आपको अपग्रेड्स मिलेंगे एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपग्रेड्स है। सो कैमरा सेटअप अच्छा है फोन का, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। प्राइमरी कैमरा से ली गई फोटोज काफ़ी वाइब्रेंट और डिटेल्ड आती हैं, अच्छे कलर्स आपको इमेजेस में दिखेंगे, स्किन टोन्स भी सही से कैप्चर करता है फोन, हल्का सा सॉफ्ट कर देता है बट एंड रिजल्ट अच्छा रहता है। आप इमेज देखो, डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं अच्छी, कलर्स भी अच्छे आ रहे हैं। वैसे कुछ फोटोज जो मैंने इस फोन से लिए, उनमें कुछ कंडीशन में कलर थोड़े ओवर सैचुरेटेड लगते हैं कभी कभी, खासकर जो ग्रीन और रेड टोन्स हैं उनमें कलर्स ओवर सैचुरेट हो जाते हैं। पोर्ट्रेट मोड में इस डिटेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन AI प्रोसेसिंग
कभी कभी ना ओवर शार्प रिजल्ट दे देती है। सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है जो अच्छे सेल्फीज क्लिक करता है, लेकिन स्किन टोन्स को अगेन वो थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, मतलब जो आजकल सबको चाहिए होता है। ओवरऑल कैमरे की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, अच्छी है। मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से कैमरा मुझे अच्छा लगा। फालतू के 2 मेगापिक्सल वाले वो लेंसेज भी यहाँ पे नहीं है, सो गुड जॉब मोटो। मोटो H50 में 5000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है जो मॉडरेट यूजेज के साथ इजीली एक दिन का बैकअप दे देती है। हैवी यूजेज पे भी ये फोन आपको ना दिन के एंड तक चल जाएगा, दिन के एंड में आपको उसको चार्ज करना पड़ेगा बस, मतलब। और फिर 60W फास्ट चार्ज सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है एंड ये अराउंड 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। सो एक बात और है यहाँ पे कि इसमें आपको वायरलेस चार्ज सपोर्ट मिल रहा है। कुछ प्रीमियम सेगमेंट फोन्स में भी वायरलेस चार्ज आजकल ऑफर नहीं करते मैन्युफैक्चरर्स, बट मोटो ने फीचर इसमें दिया है। वैसे आई डोंट नो, मतलब हार्डली कोई वायरलेस चार्ज यूज़ करता है, मैं तो यूज़ नहीं करता, करते होगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। सो मोटोरोला H50 एक ऐसा मिड रेंज फोन लगा मुझे जो डिजाइन, डिस्प्ले और जनरल परफॉर्मेंस में काफी स्ट्रांग है। ये फोन उन लोगों के लिए आई वुड से बेस्ट है जो स्टाइलिश और स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं। स्टाइलिश फोन हो, एक्सपीरियंस स्मूथ हो डे टू डे यूजेज में, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेज यहाँ पे हैं, जैसे कि प्रो गेमर्स के लिए फोन नहीं बनाए। ऑल्सो कैमरा इसका अच्छा तो है, लेकिन बहुत कुछ खास यहाँ पे नहीं है।